सहजनवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी के दौरान मां और बच्चे की हुई मौत, वही परिजनों ने लगाया सहजनवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों पर आरोप। वही डिलीवरी के दौरान बच्चे और महिला की मौत हो जाने से परिजनों में आक्रोश भी है। आप वीडियो द्वारा देख सकते हैं बच्चे के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वही पीड़ित परिवार के लोग मौके पर मौजूद थे और उन डॉक्टरों पर लगाया गंभीर आरोप। आइए जानते हैं पीड़ित ने क्या कुछ कहा। सब लोग निकली तो मुंह बना के निकली हैं कि ये इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ है। उसके बाद मैं बच्चा लेके चला गया यहाँ से बागागाड़ा दफनाने के लिए। जब मैं वहाँ पहुँचा नहीं था तभी यहाँ से फ़ोन गया कि वाइफ का तबीयत सीरियस है। बोला इनका सारा पर्ची बनाओ, हम आ रहे हैं फिर लेके जाएंगे, एम्बुलेंस करके भेजो। यहाँ वहाँ से मैं करके वहाँ से आ गया, 45 मिनट ऊपर यहाँ आ पाता, 1.5 घंटे बाद एम्बुलेंस मिला। एम्बुलेंस मिलने का जब उधर से लाए हैं आप तो हाथ में लेके आए हैं, स्ट्रक्चर भी नहीं मिला है। आपको स्ट्रक्चर भी नहीं दिया गया? स्ट्रक्चर भी नहीं दिया गया। तो इसमें क्या आप लापरवाही? लापरवाही यहाँ के डॉक्टर की है और एम्बुलेंस एम्बुलेंस जो है इंचार्ज है, जो एम्बुलेंस भेजते हैं यहाँ से, उनकी 100% है। और एम्बुलेंस कितने देर बाद आपको मिला? 1.5 घंटे बाद। जो कि एम्बुलेंस यहाँ पे 4 खड़ा था लेकिन बोल रहे थे 108 पे लगा है, 111 पे लगा, इस पे लगा हुआ दिए नहीं है। ठीक। समय से नहीं बैठते डॉक्टर, मरीज परेशान। बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दृश्य है जहाँ पर समय से डॉक्टर के न बैठने के कारण मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यहाँ मरीज सुबह से ही आते अपने लाइन लगाते नंबर का इंतजार करते हैं, परंतु डॉक्टरों की मनमानी के चलते वो आना जाना उनका अपने समय से लेट होता है, जिसके कारण लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। लोग बताते हैं कि सुबह से आते डॉक्टरों का इंतजार कर रहा है, परंतु अभी तक कोई डॉक्टर मौके पे नहीं पहुंचे। क्या नाम पड़ी अपन? धीरज। क्या दिक्कत है? दिक्कत दिखाना था महिला को, क्योंकि डॉक्टर है सुष्मिता सिंह की, वो आई नहीं है। आई नहीं है अभी, ट्रांसफर हो गया। कोई आया नहीं, अभी डॉक्टर यहाँ बहुत भीड़ है। स्वच्छता को लेकर गोरखपुर नगर आयुक्त के द्वारा गोरखपुर शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए गोरखपुर शहर के 80 वार्डों को साफ सफाई में बेहतर करने के लिए गोरखपुर नगर आयुक्त लगातार प्रयास कर रहे हैं। वही गोरखपुर नगर आयुक्त के प्रयासों का गोरखपुर शहर में दिख रहा असर, आइए जानते हैं नगर आयुक्त ने क्या कहा। घरों से ना सड़कों में फेंका जाए इसके लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसमें जन सहभागीदारी और जन भागीदारी का ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। साथ ही साथ एक बार जब वो कूड़ा नगर निगम के पास आ जाता है, उस कूड़े का समुचित निपटान भी किया जाए, उसका समुचित निस्तारण भी किया जाए। तो उस निस्तारण के लिए बहुत बड़ा प्लांट हम ऑलरेडी NTPC के साथ वार्ता में है, उसके साथ एक प्लांट भी लगाया जाएगा। ट्रांसफर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के माध्यम से भी जो शहर में अलग अलग पड़ाव केंद्र बने हुए हैं, जिससे कूड़ा कॉलोनी का कूड़ा वहां इकट्ठा होता है, उन पड़ावों केंद्रों को खत्म किया जाएगा और ट्रांसफर स्टेशन के माध्यम से लूप में और कैप्सूल्स में उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। और तीसरा हमारा सबसे जो बेसिक बुनियादी है डोर टू डोर कलेक्शन की, शहरों में घरों का कूड़ा नालियों में सड़कों पर ना फेंककर नगर निगम की गाड़ियों में आए, इसके लिए बहुत व्यापक तौर पर एक जन भागीदारी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए भी हम एक PMU का गठन कर रहे हैं, एक IEC एक्टिविटी चलाने के लिए, जन जागरूकता फैलाने के लिए, सभी लोगों को इस आंदोलन में साथ करने के लिए व्यापक पैमाने पे एक IEC गतिविधि को भी संचालित करने के लिए PMU का गठन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इन सभी योजनाओं से, इन सभी प्रयासों से गोरखपुर जो स्वच्छ गोरखपुर का जो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का है उसको हम। गोरखपुर में बेसहारा गौवंशों को भरपेट चारा नहीं मिल पा रहा, मात्र 30 रुपए में प्रति पशुओं के हिसाब से सरकार खुराक का पैसा दे रही है। पशुपालकों का कहना है कि सरकार की नीयत गौ संरक्षण की है तो बजट भी बड़ा होना चाहिए, आइए जानते हैं डेयरी संचालक ने क्या कुछ कहा। है कैसे उसमें पशुपालन 30 रुपए में हुआ, एक दिन का एक पशु पर लगभग एक टाइम में 100-150 रुपए रोज खर्चा पड़ता है, जो पशु पाले हैं लोग वही लोग जान रहे हैं। तो सरकार 30 रुपया दे रही है तो क्या कर रही है? 30 रुपए में कुछ नहीं होगा, सरकार योगी जी खुद अगर पशुपालन किए होंगे अपने गोरखनाथ मंदिर में खुद जान रहे होंगे, या उनके आदमी जाने एक पशु पर कितना खर्चा पड़ता है। पालता है उसका तो 300 रुपए दिहाड़ी होती है, अगर वो दिन भर अपना गाय पालता है, सरकार की तरफ से इतना कम पैसा मिल रहा है कि आदमी कैसे गाय पाल पाएगा इतने कम खर्चा में। चोकर का दाम 30 रुपए किलो है, भूसा भी महंगा ही है, इस तरह से नहीं हो सकता है। कहीं कहीं पशुपालन में खेल हो रहा होगा, पशु मर रहे होंगे, पूरा खेल हो रहा है। ये बताइए कि खेल नहीं हो रहा है, दुनिया त्रस्त है, इस समय पशुपालक एकदम त्राहिमाम मचाए हुए हैं।
और परेशान हैं, सोच रहे हैं कि हम चारा का व्यवस्था करें कि भूसा का व्यवस्था करें कि। हाटा बाजार में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष गगहा अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक जोगेश कुमार आनंद में हमराही उपनिरीक्षक अनित कुमार राय द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 497 2023 धारा 406 419 420 467 471 323 504 506 भादवी में वांछित अभियुक्त विक्रम कुमार मदेसिया पुत्र निगम मदेसिया निवासी ग्राम हाटा बाजार शिवपुर थाना गगहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गोरखपुर में एक महिला शिक्षक ने प्रिंसिपल की चप्पलों से पिटाई कर दी। आरोप है कि प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाई और इसी दौरान महिला शिक्षक को अपशब्द कह दिया। इससे नाराज महिला शिक्षक एकजुट हो गई और हंगामा करने लगी। प्रिंसिपल की हरकतों से नाराज कुछ महिलाओं ने शिक्षकों ने चप्पल से पिटाई कर दी। वही महिला और प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आपको मारा था, आप लाइन ऑर्डर की बात करें, कौन सज्जन है कौन अच्छा नहीं है, ये आप सर्टिफिकेट देने। आए दिन देखा जाता है गोरखपुर शहर में गाड़ियों पर लोग जाति सूचक शब्द और नंबर को उल्टा टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं। इस तरह अगर लिखा हुआ कहीं भी किसी की गाड़ी पर अगर मिलेगा तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं गोरखपुर एसपी ट्रैफिक श्याम देव ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। रोड पर खड़ी कर रहे हैं, उनको जागरूक किया जाए कि पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करें। यहां नगर निगम की बहुमंजिला पार्किंग गोलघर में है, बाकी सिटी मॉल के सामने भी पार्किंग है, इसी तरह से कई अन्य जगह भी पार्किंग है, तो उनको जागरूक किया जा रहा है पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने के लिए। इसके अलावा जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल है, ये भी लोगों को बताया जा रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल के अनुसार ही चलें। इसके अलावा और भी जो यातायात के नियम है उसके तहत भी लोगों में जागरूक किया जा रहा है। ये लगातार अभियान चल रहा है और इस अभियान का नाम ऑपरेशन सुगम रखा गया है यातायात पुलिस द्वारा, और इस पर लगातार अभियान चलाकर कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। जो लोग इसके बावजूद भी उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। सर, काली फिल्म पर भी कार्रवाई की जा रही है? हाँ, ये अभियान भी चलाया गया है। जो लोग काली फिल्म लगा के चल रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश भी है कि कोई काली फिल्म गाड़ियों पर लगाकर नहीं चलेगा, तो वो काली फिल्म भी हटवाई जा रही है। जो गाड़ियों पर जात सूचक सब लिख के चल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। या सर्पदंश से युवक की मृत्यु। मृतक कौड़ी राम में ठेला पर बेचता था फुल्की। कौड़ी राम कस्बे में फुल्की की रेहड़ी लगाने वाले 35 वर्षीय व्यक्ति की सांप काटने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कौड़ी राम कस्बे में काफी दिनों में से झांसी निवासी युवक फुल्की का रेहड़ी लगाकर बेचता था। मृतक कमल किशोर पाल पुत्र मोतीलाल पाल उम्र 35 वर्षीय की कमरे में सांप काटने से मौत हो गई। पीड़िता ने लगाया गगहा पुलिस के विवेचक पर गंभीर आरोप। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्रक देकर लगाई न्याय की गुहार। गगहा थाना क्षेत्र के गांव की नाबालिग छात्रा को एक गांव का लड़का शादी का झांसा देकर लड़की को लेकर गोरखपुर चला जाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा तथा उसके पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाता रहा। 4 माह पूर्व लड़के ने दूसरी लड़की से सगाई कर लिया। इसकी जानकारी पीड़िता को हुई तो उसने सारी बातें अपनी माँ से बताई। माँ ने बालिग होने के बाद शादी करने का आश्वासन भी दिया था लेकिन लड़के ने स्वीकार नहीं किया। पीड़िता ने इसकी शिकायत गगहा थाने पर दी जहाँ पीड़िता ने आरोप लगाया गगहा पुलिस मामले का अल्पीकरण करते हुए 354 323 504 506 का मुकदमा दर्ज कर 2 दिन बाद दूसरे पक्ष का भी 406 506 का मुकदमा दर्ज कर मामले को लेन देन की तरफ मोड़ दिया। काफी प्रयास के बाद विवेचक द्वारा 1.5 माह बाद 161 164 का बयान दर्ज कराया लेकिन लड़की की डॉक्टरी पीड़िता द्वारा बार बार कहने के बाद भी विवेचक ने नहीं कराई। डॉक्टरी अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं।
बैदौली बाबू की रमसा तनवीर बनी पीसीएसजे। बासगांव विकास खंड के ग्राम बैदौली बाबू की रमसा तनवीर पीसीएसजे बनी है, जिसको लेकर क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है। इनके पिता तनवीर अहमद कौशाम्बी में इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि विकास सिंह, प्रधान मनोज कुमार, पूर्व प्रधान रेणु सिंह सहित अन्य लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है।